पंचायत चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस गदगद है। मंत्री राजेंद्र यादव ने यह जीत जनता को समर्पित की है। उन्होंने कहा कि पुष्पा सैनी की जीत 36 कौमों की जीत है। मौके पर मंत्री राजेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल धैल ने। निर्दलीय पार्षदों के सहारे कोटपूतली में कांग्रेस अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही गहलोत सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र यादव की। यादव साहब, भरोसा था आपको, 8-5 से जीते थे लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। छोटे चुनाव में त्रिकोणी चरकोणी हो जाता है और पहली बार हमारे अभी परिसीमन हुआ था, इसलिए पार्टी के कम आए और हमेशा से कम आते हैं यहाँ, मगर कोटपूतली की जनता सही निर्णय लेती है और हमारे पार्षदों ने सही निर्णय लिया। आज कांग्रेस का बोर्ड बना है और कांग्रेस का बोर्ड बनने से हमें विकास की जो गति है वो तीव्र होगी। माननीय अशोक गहलोत साहब पे जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं हमेशा अपनी कोटपूतली की जनता का आभारी रहूंगा। आखिर तक सांसें थमाने वाला मुकाबला रहा, आपको यकीन था कि यहाँ कांग्रेस का चेयरमैन बन जाएगा? निश्चित तौर पे हमें यकीन था, मुझे विश्वास था हमारे पार्षदों पे, और जैसे कम जीते थे निर्दलीय ज्यादा जीते थे, जो बीजेपी ने काफी इसमें जो उथल पुथल मचाई, मगर ईमानदार निष्पक्ष लोग एक साथ इकट्ठे थे और हम चुनाव जीते। ये थे राजेंद्र यादव जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं और कोटपूतली जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का यहाँ पर चेयरमैन बन गया है तो विकास को रफ्तार मिलेगी और कड़ी से कड़ी जुड़ने पर कोटपूतली का चहुंमुखी विकास होगा। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 कोटपूतली।